बीजेपी की जो कॉन्सेंट्रेशन एनडीए मीट पर होने वाली है या होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ है, जो कश्मीर से न्यूज आ रही है उसके कारण। जी हाँ, बीजेपी और कश्मीर में जो अपोजिशन है वो एक साथ फिर से लड़ पड़े हैं। बीजेपी ने अपने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी स्थित जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर डिसाइड किया है कि वो 3 कश्मीर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को निकाल फेंकेंगे। जी हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फहीम असलम, रेवेन्यू ऑफिसर मुरव्वत हुसैन मीर और पुलिस ऑफिसर अरशद अहमद ठोकर को निकालने का निर्णय लिया जा चुका है। ये निर्णय इसलिए किए गए हैं कि उन पर शक है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, टेरर एक्टिविटीज फैला रहे हैं और कश्मीर में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यह फहीम असलम का बायोडाटा निकाला गया और पता चला कि वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए थे 2008 में और तब से वो प्रो पाकिस्तान एक्टिविटीज़ करने में माहिर थे। लेकिन उनकी पोल तब खुलने लगी जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से कश्मीर को मिलाने की बात करी, भारत हाय हाय के इनडायरेक्टली नारे भी लगवाए और कहा जाता है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया के खिलाफ कश्मीर के लोकल यूथ को भड़काने में। और यूनिवर्सिटी जैसी जगह में होने पर उनका यूथ से रोज़ का आमना सामना है और जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने अपनी मीडिया नॉलेज का इसमें बहुत फ़ायदा उठाया। वो ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर में भी काम किया करते थे, जो काफ़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर है कश्मीर में। हाँ, जब उनको पता लगा कि वो फंसने वाले हैं उन्होंने अपने कई सारे ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। लेकिन आपको पता है कि ट्विटर पर जाकर गवर्नमेंट पुराने रिसोर्सेज से ट्वीट्स को निकाल सकती है। उन्होंने ट्विटर से जाकर फहीम का पूरा बायोडाटा निकाल लिया और उसके बाद से फहीम इतना फंस चुके हैं कि उन्होंने इस मामले पे कोई कमेंट करने से भी मना कर दिया। वही मुरावत मीर साउथ कश्मीर के हैं, जहां वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया करते हैं और 1985 से उनकी भर्ती हो रखी है। वहीं अरशद ठोकर जेएनके पुलिस का हिस्सा है 2006 से। गवर्नमेंट ने इन तीनों पर काफ़ी टाइम से नज़र रखी और आर्टिकल 311(2)(c) के तहत उन्होंने इनको टर्मिनेट कर दिया। अब इस टर्मिनेशन के बाद 2019 से लेकर अब तक टर्मिनेशन की संख्या 52 हो चुकी है कश्मीर वैली में और ये सारे के सारे टेरर सस्पेक्ट्स को अब निकालने की बात हो रखी है और आगे भी ऐसे लोगों को अब निकाला जाएगा। लेकिन जो उम्मीद थी वही हुआ। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको पता है कि एक एक करके जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है उनके पैर और कट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तो ये तक कह दिया कि कश्मीर में बहुत हाहाकार है, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है नहीं, डेवलपमेंट हो नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है और बीजेपी उससे ध्यान हटाने के लिए बहाना बना रही है टेररिज्म का। जी हाँ, टेररिज्म का बहाना बना रही है और भोले भाले कश्मीरियों को निकाल रही है। मुफ्ती ने यह तक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा तीनों इसी बात पे रोज लगे हुए हैं कि कैसे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के पैर काटे, कश्मीर में टेररिज्म के बहाने बनाए और लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसाकर उनको जेलों में डाले। ये वो लोग हैं जो आने वाले कश्मीर इलेक्शन में बीजेपी के अगेंस्ट वोट कर सकते हैं। बीजेपी ने इस बात को साफ नकार दिया और कहा है कि टेररिज्म को और सपोर्ट नहीं देने देंगे। मुफ्ती और अब्दुल्ला जो मर्जी कर लें, हम उनके पैर काटेंगे। वो दोनों सिर्फ घबराए हुए हैं क्योंकि बीजेपी ने G20 तक यहाँ पर कर दिया, नए नए सिनेमा हॉल्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या LOC डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी खुल रहे हैं और डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, यूथ इतना इन्वॉल्व हो रहा है। जो पाकिस्तान और उनके जो पिट्ठू हैं यहाँ पर, जैसे मुफ्ती है और अब्दुल्ला है, वो नहीं चाहते। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे देखते हैं कैसे बीजेपी को फंसाने की उनकी कोशिश और ज़्यादा रंग लाती है। आज के इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमें ऐसे ही देखते रहें।